हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और टेस्ट करोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया, इसलिए एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी है, जो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, अदरक और 1 मिर्च ली है। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए मैंने इसमें मिर्च डाल दी है जो काट ली थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन हम भूल गए थे बताना, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने टमाटर प्याज भी कट कर लिए हैं थोड़ा। जब इसको ये जो थोड़ा भुन जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा भुनना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का इसको भुन लेंगे हम। 2 से 4 मिनट हमें भुन गए हैं। टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए बस इतने ही। इसमें हम नमक डाल देंगे जिससे हमारे टमाटर जल्दी पक जाए। अच्छे से चलाएंगे, 2-3 मिनट ढक कर पकाएंगे हम। मैंने इसे 4 मिनट रखा था। ये देखिए हमारे टमाटर प्याज दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे से हम चला लेते हैं इसको। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर में पीसेंगे। ठंडा होने के बाद ही पीसे, नहीं तो मिक्सर से बाहर आ जाएगा। अब हम इसमें तेल डालेंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है इसमें मटर पनीर, मटर और पनीर फ्राई कर लेते हैं। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था जिसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसे कच्चा भी डाल सकते हो, ये कच्चा भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको पसंद है वैसे आप डालो, या फिर इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। ये मैंने मटर ले लिए हैं, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं। फ्रोजन मटर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट ही हमको भुनना है इसको। अगर आप सादे मटर लेते हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा भून लीजिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये पहले से ही सॉफ्ट होते हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। इसमें मैंने थोड़ा तेल और डाल दिया है। अब इसमें जीरा डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते हैं, 2-4 लौंग है ये। मैंने थोड़ी सी बड़ी इलायची डाल दी है। थोड़ा थोड़ा हम इनको भून लेंगे। आप इसमें खड़े मसाले यूज करें, खड़े मसाले बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। ये मैंने प्योरी बना ली है, ठंडा हो गया था हमारा पेस्ट। अगर आप खड़े मसाले नहीं डालना चाहते तो ना डालो, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए ज़रूर डालें आप इसे। एक काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा है। रेस्टोरेंट में सेम ऐसे ही बनाया जाता है, पहले इसको भून लिया जाता है कच्चा और फिर प्योरी बनाई जाती है। अब इसको हम 8 से 10 मिनट ढककर पकाएंगे। हमारे 8-10 मिनट हो चुके हैं, तेल भी सेपरेट हो गया साइड साइड, एक्स्ट्रा पानी भी जल चुका है इसका। अब इसको हम थोड़ा चला लेंगे। मैंने चला लिया है, देखें हमारा मसाला काफी हद तक भुन गया, काफी अच्छी स्मेल भी आ रही है। इसमें उबाल भी आने लग गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक लिया, नमक पहले भी मैंने डाला था इसलिए कम ही लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लो। 1 चम्मच हल्दी है, 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गर्म मसाला है। गरम मसाला, सब्जी मसाला कुछ भी यूज कर सकते हो इसमें, इससे हमारी सब्जी बहुत ही क्रीमी क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। जैसे रेस्टोरेंट में एकदम क्रीमी क्रीमी सब्जी दिखती है, सेम वैसे ही ये जो मटर पनीर हमने फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। अच्छे से हमको सबको मिक्स कर लेना है जिसमें पनीर और मटर में अच्छे से मसाला चिपक जाए। अब हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितनी आपको ग्रेवी पतली और गाढ़ी चाहिए। मैंने 1 गिलास पानी डाला था। अच्छे से मिलाएंगे इसको। हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रख के सब्जी बनाते समय
ये हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, सब्जी में उबाल आ गया है। ये देखिए सब्जी काफी हद तक गाढ़ी हो गई है, काफी अच्छा कलर भी आया है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी सब्जी। अब ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार है। स्टेज में हमें गैस बंद कर देना है, इसको मिक्स करके गैस हम बंद कर देंगे। अब एक प्लेट में निकाल के सर्व करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।